जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार उपाय में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जितिया व्रत से जुड़े हुए पूजन विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इस पूजन विधि में कौन सी है वो चीज़ें जिनको आपको 16 की मात्रा में चढ़ाना है। दोस्तों, जितिया व्रत के नियम काफ़ी सख्त होते हैं। पुत्र या पुत्री की लंबी आयु की कामना से रखे जाने वाले इस व्रत में कई सामग्रियों के चढ़ावे तैयार करने होते हैं। अष्टमी के दिन के पूजन की विधि विशेष होती है। इस दिन जितिया का मुख्य व्रत होता है और ये निर्जला रखा जाता है। ऐसे में जान लेते हैं जितिया व्रत से जुड़ी हुई पूजन विधि के बारे में, साथ ही उसमें कौन कौन सी सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं वो भी। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। व्रत के दिन आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। भगवान जीमूतवाहन की पूजा करनी होगी। भगवान जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करने होंगे। मिट्टी और गाय के गोबर से चील या सियारिन की मूर्ति बनानी होगी। अगर ये मूर्ति आप नहीं बना पाते हैं तो कोई बात नहीं, मार्केट में इसकी मूर्तियां भी मिलती हैं, साथ ही इसका एक पोस्टर भी आप ला सकते हैं। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। जीवित पुत्र का व्रत की कथा कहें और सुने। इस कथा का मैं उल्लेख अपने एक वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस कथा को मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। अब जान लेते हैं कौन सी है वो पूजन सामग्री जिनको आपको 16 की संख्या में ही चढ़ाना होगा। माँ को 16 पेड़े, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति की कामना रखते हुए आपको यह उपवास करना है और बांस के पत्रों से पूजन करना होगा। तो दोस्तों, ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन विधि और उसमें इस्तेमाल होने वाली सभी खास सामग्रियों की लिस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपना फीडबैक आप मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्रत त्यौहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।